हेलो एवरीवन। तो शाम का बन रहा था खाना, तो मैंने कहा चलो नॉर्मल सब्जी बना रही हूँ वैसे आलू टमाटर की, तो मैंने कहा पूरा ही रूटीन शेयर कर देती हूँ। तो चावल बन गया था, आलू उबल गए थे और आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। जैसे नॉर्मली मैं वीडियो डाल भी चुकी हूँ इसकी, आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मुझे मन कर रहा था, बट मैंने कहा नॉर्मल सब्जी बना रहे हैं बट फिर भी डाल देते हैं वीडियो। अच्छी सी सब्जी बनी थी, सिंपल, जीरे हरी मिर्च टमाटर में सरसों का तेल डाला और आलू को अच्छा सा फ्राई कर लिया, मतलब सारे मसाले डाल के अच्छा सा भून लो। और ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, लहसुन प्याज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इस सब्ज़ी में। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार ट्राई करना ये सब्ज़ी पूड़ियों के साथ या फिर चावल के साथ, ना बहुत अच्छी लगती है। जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक हम अपने पापड़ रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दाल के ये सिके हुए पापड़ ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और जैसे ही हमारे पापड़ बन जाएंगे हम अपनी सब्ज़ी भी चेक कर लेंगे, क्योंकि सब्ज़ी शायद उबल गई है और पक ही गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हरा धनिया डालेंगे। जब तक ये पकेगी तब तक हम अपनी थाली लगा लेते हैं। सब्जी हमारी वैसे रेडी हो गई है और रोटियां थी आज थाली में और साथ में पापड़ जो मैंने बताया है अभी, साथ में था राइस, थोड़ी सी सब्जी गरम गरम थी, लग रहा था घी डाल दूँ थोड़ा सा बट घी खाते नहीं हैं, खूब सारा हरा धनिया डाला और फिर साथ में थी भिंडी की थोड़ी सी सब्जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।